एवरीवन, आई एम वैशाली। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं ये DIY दिखाने वाली हूँ जो कि एक वॉल आर्ट है। और ये वॉल आर्ट हम बनाने वाले हैं टिश्यू पेपर रोल या टॉयलेट पेपर रोल को रीयूज़ करके। तो इसको बनाने के लिए आपको ये टॉयलेट पेपर रोल लगेगा, जिसको मैं इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे कट करने के पहले, और हाफ हाफ इंच के कुछ पीसेस हमको कट करना है। तो ये पूरा टिश्यू पेपर रोल मैं कट करने वाली हूँ हाफ हाफ इंच के पीसेस में। तो इस तरह से आप कट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने ये टिश्यू पेपर रोल के पीसेस कट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग है, उसके लिए हमको यहाँ पे एक फ्रेम लगेगा। यहाँ पे मैं एक मिरर फ्रेम यूज़ करने वाली हूँ। उसका बैक साइड और मिरर यहाँ से हम रिमूव कर देंगे एंड सिर्फ हम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। तो ये ओवल शेप का फ्रेम है। अगर आपके पास कोई भी शेप का फ्रेम हो वो आप यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप कोई फ़ोटो फ्रेम वगैरह जो भी है जो यूज़ में नहीं है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पीस मैंने लिया है, इसको कट कर लिया है। देन मैं इसको इस तरह से राउंड शेप में फोल्ड कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे 3-4 पीसेस हम बना के रख लेंगे। अब जो मैंने फ्रेम लिया है, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं इन पीसेस को अरेंज करूँगी। तो ये कुछ इस तरह से मैं एक फ्लावर के शेप में इसको अरेंज कर रही हूँ। आपका फ्रेम जैसा भी हो, जिस भी शेप का हो, आप उस तरह से इन पीसेस को अरेंज कर सकते हैं। जो पैटर्न आप यूज़ करना चाहते हो, जो डिज़ाइन आप यूज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगेन, ये जो राउंड मैंने किया था पेपर रोल से, उसी को आप कुछ और अलग डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये जितने भी कटिंग्स हैं हम उसको स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो राउंड शेप हमने बनाया था, इसको पहले स्टिक कर देते हैं एंड देन हम इसको फ्रेम पर स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि जितने भी ये कटिंग्स हैं, ये कटिंग्स आपस में भी स्टिक होना ज़रूरी है एंड फ्रेम से भी स्टिक होना ज़रूरी है। तो जो ग्लू आप लगा रहे हैं पीसेस पर, तो वो ध्यान रखिए कि ये फ्रेम को भी स्टिक करे और जो दूसरे पीसेस हैं उससे भी स्टिक हो जाए। जो अलग पैटर्न्स, जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं, इनको भी आपस में इस तरह से स्टिक कर लीजिए ताकि ये जैसा है उस तरह से बना रहे डिज़ाइन। सो कुछ इस तरह से ये दिखाई देने वाला है फ्रेम। अगर आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग आप जो भी कलर इस पर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ब्रॉन्ज स्प्रे पेंट का यूज़ करने वाली हूँ। तो पूरा फ्रेम जो है, जो पैटर्न हमने बनाया है, वो सब अच्छी तरह से स्प्रे पेंट कर लीजिए। ध्यान रखिए कि एक एक एंगल से आप इसको प्रॉपरली पेंट करें, बिकॉज जिस भी एंगल से आप इसको देखेंगे उस एंगल पर प्रॉपरली पेंट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये मैंने पेंट कर लिया है, इसको ड्राई होने देंगे। तो ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखाई देगा। कुछ इस तरह का ये फ्रेम रेडी हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमने ये टिश्यू पेपर रोल को रीयूज़ करके ये सुंदर सा वॉल आर्ट बनाया है।
मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो फ्रेम का बैक साइड है वो ब्लैक कलर का था, तो मैं इसको इसके ऊपर रख के देख रही हूँ किस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसा चाहें तो ऐसे भी इसको हैंग कर सकते हैं, बट मैं इसको ओपन ही हैंग करने वाली हूँ, मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लॉकडाउन में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सिंपल सा DIY, रीयूज़ कीजिए आपके घर पर रखे हुए आइटम्स को। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया DIY लेकर आऊँगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। वहाँ पे मेरे जो भी DIYs होते हैं उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वहाँ शेयर करती हूँ मैं। सी यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम।